दोस्तों, अगर आप रिंकू ऋतुराज गायकवाड़ को बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। भारत और आयरलैंड के बीच खेली जा रही 3 T20 मुकाबलों की सीरीज अब भारत ने 2-0 से जीत ली है। तो क्या है इस दूसरे T20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट और भारत के किस बल्लेबाज ने मारे थे 5 लगातार छक्के, दिखाएंगे आपको वो पूरा वीडियो। तो आयरलैंड के कप्तान ने टॉस जीत करके पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया और भारत के बल्लेबाजों को पहले आमंत्रित किया बल्लेबाजी करने के लिए। भारत की तरफ से ओपनिंग करने के लिए ऋतुराज गायकवाड़ और एस एस विजयसवाल और तिलक वर्मा एक ही ओवर में आउट हो जाते हैं, जिसके बाद भारत की टीम पर काफ़ी ज़्यादा दबाव आ जाता है। लेकिन उसके बाद संजू सैमसन क्रीज पर आते हैं, जो कि ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर के भारत के लिए कई अच्छी साझेदारी निभाते हैं। लेकिन संजू सैमसन भी 40 रन बना करके आउट हो जाते हैं। ये 40 रन संजू सैमसन के बल्ले से 26 गेंदों पर निकले थे। तो एक तरफ ऋतुराज गायकवाड़ थे, जिन्होंने भी अच्छी 58 रनों की पारी खेली, अपना अर्धशतक जमाया। उसके बाद शुभम दुबे और रिंकू सैन इसे पारी को फिनिश करते हैं। 3 छक्के निकलते हैं रिंकू सिंह के बल्ले से, तो 2 छक्के शुभम दुबे भी लगाते हैं। 22 रन बनाए थे शुभम दुबे ने, तो वहीं 38 रनों की एक धुआंधार पारी खेली थी यहां पर रिंकू सिंह ने, जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं। और आयरलैंड के सामने भारत ने इस प्रकार से 185 रनों का स्कोर रखा था। लेकिन बात आती है जब आयरलैंड की बल्लेबाजी की, तो आयरलैंड की बल्लेबाजी शुरुआत बहुत ही ख़राब रही, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा ने पावर प्ले के शुरू के ओवर में ही आयरलैंड के 2 विकेट चटका दिए थे। और उसके बाद जब बात आई स्पिन गेंदबाजी की, तो वहां पर रवि बिश्नोई भी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, और आते ही रवि बिश्नोई ने भी आयरलैंड का 1 विकेट चटका दिया, जिसके साथ ही आयरलैंड की टीम काफ़ी ज़्यादा दबाव में आ चुकी थी। आयरलैंड का कोई भी बल्लेबाज रंग में नहीं दिखा और पूरी आयरलैंड की टीम 152 रनों पर ढेर हो जाती है, जिसके साथ ही भारत इस मुकाबले को 33 रन से जीत लेता है और इसी के साथ भारत इस सीरीज को भी 2-0 से जीत चुका है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।